नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी महिपालपुर में हूँ और ये महिपालपुर की एक गली और ये सब यहाँ का हिसाब किताब। तो पूरा वीडियो देखें आपको, जैसे आपने थंबनेल देख ही लिया, जब यहाँ पर दिल्ली में आपको सस्ता होटल कहाँ मिल सकता है महिपालपुर में, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये सामने हाईवे, जयपुर वाला हाईवे, और ये यहाँ पर मेरा होटल इसी बिल्डिंग में। दो तीन होटल है यहाँ पर, ऐसे ही बहुत सारे होटल यहाँ पर हैं। आइए पहले मैं मेरा रूम आपको दिखा देता हूँ। और ये मेरा रूम था, अभी मॉर्निंग का टाइम है। ये देखिए, ये डबल बेड, इधर एक शीशा लगा हुआ है, ऊपर एक वेंटिलेटर के लिए खिड़की है, बाहर से थोड़ा बंद कर रखा है। लाइट, टीवी पुराने टाइप का, ये कबाट, और ये यहाँ आपको स्विच मिल जाते हैं चार्जिंग वगैरह के लिए, और फैन है जो चल रहा है, और ये इस तरह से ये वाईफाई वगैरह आपको मिल जाते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और एक छोटी टेबल यहाँ भी है, और ये अटैच वाशरूम। तो इस तरह से ये पूरा गीजर वीजर लगा हुआ है, ठीक ठाक रूम था। ये मुझे 600 रुपये में मिला पर नाइट का, 600। ये महिपालपुर का मेन सिग्नल है, सामने जो सिग्नल है, और ये ब्रिज है जो सीधा यदि निकलेंगे तो गुड़गांव और आगे जयपुर हाईवे है, और इसी रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर ही ये बहुत सारे होटल और अंदर गलियों में बहुत सारे होटल आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप सस्ता होटल आपको ढूंढना पड़ेगा, वैसा नहीं है लेकिन आपको मिल जाता है। जैसे अभी मेरे को मिला है, आपने देखा मेरा जो रूम देखा, इस तरह से यहाँ इसके नज़दीक ही, हाईवे के नज़दीक ही ये सब मिल जाता है। आगे के सिग्नल से लेफ्ट में जाते हैं तो वसंतपुर को जाता है, और सीधा जाके फिर आगे से राइट जाना होता है तो टर्मिनल 2 एयरपोर्ट आ जाता है। एयरपोर्ट बिल्कुल इसके नज़दीक ही है, और ये सब यहाँ के ब्रिज के आसपास ही होटल है। यदि आपको सस्ता होटल चाहिए तो यहाँ आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि यहाँ 1200-1500 बोलेंगे रूम का। यदि आप अकेले हो तो आपको 500-600 में बगैर एसी का रूम यहाँ मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। तो दिल्ली का ये सबसे सस्ता होटल हम बोल सकते हैं यहाँ आपको मिल सकता है, और ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ही है, महिपालपुर हाईवे के ऊपर है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, कैसा लगा अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।